Hello students, myself Dr. Sneha Babin, Assistant Professor, Accountancy and Business Statistics Department, Government Meera Girls College, Udaipur, Rajasthan. Students, MCOM Final ABST के लिए Compulsory Paper IFRS के अंतर्गत अब तक मैं आपके साथ यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 4 और IFRS 7 के डिफरेंट जो प्रोविजंस हैं वो डिस्कस कर चुकी हूँ. यूनिट नंबर फर्स्ट में आपने 1, 2, 3 IFRS और यूनिट नंबर सेकंड में 4 एंड 7. अब हम आते हैं यूनिट नंबर थर्ड, MLSU यूनिवर्सिटी के कंपलसरी पेपर IFRS के अंतर्गत यूनिट नंबर थर्ड, जिसमें आपके पास IFRS 8 और IFRS 9 है. तो अब मैं आपसे IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट के जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी. IFRS 8 के अंतर्गत हमें डिस्कस करना है क्या इसका स्कोप है, क्या डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट किसे कहेंगे, रिपोर्टेबल सेगमेंट किसे कहेंगे, ऑपरेटिंग परिचालन जो है वह प्रखंड और रिपोर्टेबल जो रिपोर्ट योग्य होता है वह प्रखंड, इनका मेजरमेंट क्या होगा, डिस्क्लोजर्स क्या हैं और अदर कंसिडरेशंस जो हैं वो क्या क्या हैं इस IFRS के अंतर्गत. IFRS 8 जिसे कि ऑपरेटिंग सेगमेंट कहा गया है वो इशूड हुआ था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा नवंबर 2006 में, और इसकी जो इफ़ेक्टिव डेट है, सभी के लिए कंपलसरी जो है वह नहीं है लेकिन इसकी इफ़ेक्टिव डेट है फ्रॉम 1 जनवरी 2009. और IFRS 8 आने के बाद इसने रिप्लेस किया है IAS 14, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 सेगमेंट रिपोर्टिंग को. द स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस अ मैनेजमेंट अप्रोच टू द आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ एन एंटिटी या ग्रुप्स ऑपरेटिंग सेगमेंट. यह जो स्टैंडर्ड है वह इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी प्रबंधकीय अप्रोच के आधार पर यह पहचाना जा सके और यह मापा जा सके कि कौन कौन से ग्रुप्स या कौन कौन सी एंटिटी जो हैं वह ऑपरेटिंग सेगमेंट है, यानी किसे हम ऑपरेटिंग सेगमेंट कहेंगे वो ये IFRS 8 जो है वह एक्सप्लेन करता है. IFRS 8 का जो मेन जो कोर प्रिंसिपल है वो ये है कि एक एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन टू एनेबल यूजर्स ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इवेल्युएट द नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज इन विच इट्स एंगेज एंड द इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच ऑपरेट. जो इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कि एक एंटिटी को आवश्यक है ये बातें डिस्क्लोज करना ताकि यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट है वो इवेल्युएट कर सके नेचर और फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़ के, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के, इन विच जो बिजनेस जो है वो एंगेज है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच इट्स ऑपरेट. तो इसका स्कोप IFRS 8 का, IFRS 8 जो है वो अप्लाइज टू द एनुअल एंड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी. ये आपको पहले भी कह दिया कि स्टैंडर्ड इज इफेक्टिव फॉर द पीरियड बिगनिंग ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2009. Early application is permitted. The standard must be applied to the separate and individual financial statement of an entity and the CFS, that is holding and subsidiary ke case mein jo hum banate hain, consolidated financial statement of a group with a parent whose debt or equity instrument are traded in the public market, ek to hona chahiye, or that files is or in the process of filing financial statement with the Securities Commission or other regulatory organization for the purpose of issuing any class of instrument in a regulated market. There are no disclosures requirement included in IFRS from SMEs.
SMEs के लिए किसी भी तरीके का जो है वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं है इन रिलेशन टू सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो यह अप्लाई होता है सेपरेट इंडिविजुअल पे और CFS पे जिनके की डेब्ट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड है पब्लिक मार्केट में और दैट फाइल और इज इन प्रोसेस पब्लिक टू भी होने वाली है इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द SC दैट इज सिक्योरिटी कमीशन और जो भी अदर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग एनी क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन अ पब्लिक दैट मीन्स वो इसके अंतर्गत आ जाता है। जब हम बात कर रहे हैं IFRS 8 के डिफरेंट प्रोविजंस की तो IFRS 8 में ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्क्लोजर किन किन को देना है किस किस को देना और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है। तो अभी हमने कहा कि पब्लिक कंपनी को देना पड़ेगा यदि वह लिस्टेड कंपनी है और यदि वह अबाउट टू बी लिस्ट यानी कि पब्लिक को इन्वॉल्व करने जा रही है तो भी उसे डिस्क्लोजर देना चाहिए कि इस कंपनी के पैसे कहाँ कहाँ और किस सेगमेंट में इन्वेस्ट है। इससे क्या होगा कि यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इस बारे में अंदाज़ा लगा पाएंगे वो पता लगा सकेंगे कि सेगमेंट के प्रॉफिट्स जो है डिफरेंट क्या हैं और डिफरेंट प्रॉफिट को वो देख करके ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा सेगमेंट बेनिफिशियली इन्वेस्टेड है कि इसमें पैसा लगाना जो है वह उपयुक्त रहेगा। तो IFRS 8 का जो कोर प्रिंसिपल है वो क्या है सेगमेंट रिपोर्टिंग एज अ सोर्स ऑफ रिकंसिलेशन और कनेक्टर बिटवीन मैनेजमेंट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिटी शैल डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन टू अनेबल यूजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इवेल्युएट द नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी इन विच इट एंगेज एंड द इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स। कौन कौन है IFRS 8 अप्लाई करने के लिए जो मैंने अभी आपको बता दिया एक तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या जो है वह डेफिनेशन होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की किसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह कंसिडर करेंगे। परिचालन जो है प्रखंड किसे कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंपोनेंट ऑफ अ एंटिटी दैट एंगेज इन अ बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम विच इट मे अर्न रेवेन्यू और इनकर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ग्रुप ट्रांजेक्शन। सेकेंड whose operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision maker or to make decision about resources to be allocated to the segment and assess its performance and for which discrete financial information is available। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट वह कहलाएगा जो कि इन तीनों ही कंडीशंस को जो है वो फुलफिल करता है कि अर्न रेवेन्यूज एंड इनकर्ड एक्सपेंसेस उस सेगमेंट उस फैक्ट्री का उस पर्टिकुलर यूनिट का रिसोर्से जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता हो और एक्सपेंसेस जो है इनकर्ड होने चाहिए। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो कंटिन्यूसली रिव्यू द रिजल्ट टू असेस परफॉर्मेंस और अलोकेट रिसोर्सेस। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होनी चाहिए जिसकी सहायता से डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वह मिल सके ताकि अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस प्रॉपर हो सके फीडबैक हो सके कंपैरेटिव एनालिसिस हो सके। और इससे क्या होगा कि डिस्क्रीट जो है वह इंफॉर्मेशन मिली हुई रहेगी तो वह यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल जो रिपोर्टर है उसके लिए भी वो चीज़ क्या है वह यूजफुल होगी। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होने के लिए तीन कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट नेसेसरी टू बी जनरेटिंग रेवेन्यू और इनकरिंग एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड अ बिजनेस एक्टिविटी दैट इज येट टू जनरेट रेवेन्यू। जैसे कि एग्जाम्पल एक स्टार्टअप ऑपरेशन है जो अभी स्टार्ट हुआ है बिजनेस यूनिट दैट इज करेंटली ओनली जनरेटिंग एक्सपेंसेस। Not all part of entity must fall into category of operating segment. जैसे कि corporate headquarters है
function, such as corporate headquarter, may not fall into an operating segment because it is unlikely to meet the definition of operating segment, since any revenue or expenses are identical and management are unlikely to allocate a segment. So, the basic condition is that engage in business activity from which it may earn revenue and incur expenses. Now, the chief is operation decision maker. Say, usko regularly jo hai wo reviewed honi chahiye. Refers to a function rather than a person, the function being the strategic operation of the business. So this could be the board of director ho jayenge, a small management team charged with operating the business, an individual. Identification of segment not necessarily straightforward. This may be the because chief operating decision maker is given reports in various forms that break the entity into segment in a variety ways. For instance, this could be both geographic segment, product line, service line, where they review this information regularly. Consideration may include existence of manager responsible for segment or information presented to not only the chief operating decision maker but also the board. तो ये जो criteria है operating system का, तीन जो है वो definition जो है वह must be fulfilled. तीनों definition जो है वह पूरी होनी चाहिए और तीनों ही definition fulfill होगी तभी वो जो segment है वह क्या कहलाएगा, वो segment IFRS 8 के अंतर्गत ऑपरेटिंग जो है वह सेगमेंट की डेफिनेशन में आएगा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ यह ऑपरेटिंग सेगमेंट है. तो ये तीन कंडीशन जो है वह फुलफिल करनी ज़रूरी हैं. पहला कि अर्न रेवेन्यू और इनकर्ड एक्सपेंसेस, उस सेगमेंट या फैक्ट्री पर आपका रेवेन्यू जनरेट होता हो. चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कंटिन्यूसली रिव्यू द रिजल्ट टू असिस परफॉर्मेंस और अलोकेट रिसोर्सेस. प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए जिससे कि डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन जो है वह मिल सके. तो ये पूरी डेफिनेशन है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की. टुडेज असाइनमेंट फॉर द स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सेगमेंट अंडर IFRS 8. IFRS 8 के जो मैंने आपको ऑपरेटिंग सेगमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस आज समझाए हैं वो आप एक्सप्लेन करेंगे, नोट डाउन करेंगे. साथ ही साथ इस पूरे मेरे वीडियो को व्यू करना है, उसको लाइक करना मत भूलो, उस पर कमेंट करो स्टूडेंट्स, ताकि वे ऑफ अटेंडेंस आपकी काउंट हो. रेगुलर स्टडी करें. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.